Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and welcome back to another video. I hope you are doing well. तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इजी सी आई मेकअप लुक, और दिखने में जितनी ही खूबसूरत लग रही है करने में बहुत ही आसान है और बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ आप इस लुक को कम्प्लीट कर सकते हो। और इसे आप ब्राइडल पे भी दे सकते हो या फिर आप अगर एज ए वेडिंग गेस्ट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हो। सो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। तो मैंने अपनी आई को अच्छे से प्रेप कर लिया कंसीलर लगाकर। उसके बाद आपके पैलेट में जो भी आपके पास पैलेट है तो उसमें से आप ये ऑरेंज ब्राउन कलर का शेडो है आप वो ले लें। अगर ये नहीं है तो आप कोई लाइट से शेड ले लें। सो इसे मैं एज अ ट्रांजिशन शेड यूज कर रही हूँ। आउटर कॉर्नर पे अच्छे से मैंने अप्लाई कर दिया है और उसे अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। सो आउटर कॉर्नर पे फिर से मैंने कलर लगाया है ताकि वो थोड़ा डार्क हो सके, और उसके एजेस को बिल्कुल ब्लेंड कर देना है। आप देख रहे हैं कि मेरी जो शेड मैंने जो लगाया है वो बिल्कुल ब्लेंडेबल लग रहा है। उसके बाद ये गोल्डन कलर का शेड लेना है जिसे मैं आईलिड पे लगाऊंगी विदाउट कट क्रीज। मैंने कोई भी कट क्रीज नहीं बनाई है। इस तरह से मैं सिंपली शेड को लगा दे रही हूँ। बहुत ईजी है ये वाला लुक को क्रिएट करना और बहुत अमेजिंग लुक आया था रियल में। तो अच्छे से लगाना है और ब्रश को थोड़ा सा गीला कर ले तो बहुत अच्छे पिगमेंट आ जाएगी। उसके बाद आउटर कॉर्नर पे मैंने वही कलर का शेड लिया है, उसे मैं अच्छे से अप्लाई कर दे रही हूँ और ताकि वहाँ पे आउटर कॉर्नर थोड़ा सा डार्क भी हो जाए और उसके अच्छे से वो उसके एजेस को भी ब्लेंड कर दे। तो थोड़ा सा मैं लोअर लैश लाइन पे भी लेके जा रही हूँ यही कलर को। इस तरह से मैं लोअर लैश लाइन पे लेके जा रही हूँ अच्छे से कलर को, ये वाले कलर को। उसके बाद मैंने लाइनर ब्रश लिया है और जेल लाइनर ली हूँ, और जिससे मैं वाटर लाइन के जो नीचे लैश होती है तो उसके बीच में जो खाली सी थोड़ी थोड़ी जगह होती है उसमें मैं फील कर रही हूँ। आप इसकी जगह ब्लैक शैडो का भी यूज कर सकते हैं। और उसके फिर से मैंने ब्लेंड कर दिया अच्छे से वही कलर लेकर। ब्लेंडिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कोई भी लुक को करने के लिए। उसके बाद जी मैं ब्रा बोन को हाईलाइट कर दे रही हूँ। इनर कॉर्नर को भी मैंने हाईलाइट कर रही हूँ। तो इसका का लुक आया है विदाउट लाइनर का, लेकिन मैं लाइनर के साथ इस लुक को कंप्लीट करूंगी। सो बहुत थिन सी लाइन ड्रॉ करनी है और अपने आई के अकॉर्डिंग ही लाइन ड्रॉ करनी है। बहुत सिंपल सी लाइनर मैंने रखा है इस लुक में। अब वो थोड़ा सा लोअर लैश पे भी मैं मिला दी हूँ इस तरह से। उसके बाद मैं आईलैश को अपने कर्ल कर रही हूँ अच्छे से, और उसके बाद जो मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। सब मस्कारा लगा के भी एंड कर सकते हैं इस लुक को, बट मैं लैश भी लगाऊंगी। सो आईलैश मैंने इस तरह से रखा अपने आईलिड पे, और फिर मैंने आउटर कॉर्नर से इस तरह से प्रेस किया और इनर कॉर्नर को इस तरह से प्रेस किया, और अच्छे से इन दोनों को मैंने अच्छे से प्रेस कर दिया है। उसके बाद फिर से मैं लोअर लैश अच्छे से मैं कलर को ब्लेंड कर रही हूँ। तो कुछ इस तरह का लुक आया है। इसके बाद जी मैं वाटर लाइन पे वो कंसीलर स्टिक है ना निन्वाइवे का, उसी से मैं लगा रही हूँ वाटर लाइन पे। तो आप इसके बजाय ब्लैक काजल का भी यूज कर सकते हैं या फिर व्हाइट काजल का भी यूज कर सकते हैं। सो कुछ इस तरह का लुक आया है वाटर लाइन पे लगाने के बाद। सो दिस इज माई फाइनल लुक। आई होप गाइस आपको मेरा लुक पसंद आया होगा।